आज की वीडियो निहत्ते चूतिए इंसानों के लिए जो इस दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ बोझ का काम करने के लिए पैदा हुए, और आज जो चल रहा है जनरेशन उससे हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और इस वीडियो में जाके बात करेंगे कि एक्चुअल में हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक्चुअल में हम क्यों इतना पीछे जा रहे हैं और लड़के इतना सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्यों बनते जा रहे हैं दिन पे दिन। मतलब जनरेशन जितनी AI सिस्टम जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहा है उससे ज़्यादा लड़के पीछे क्यों जा रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है फैक्ट दुनिया में कि लड़के सबसे ज़्यादा पीछे क्यों जा रहे हैं, लड़कों के अंदर जेनेटिक्स में चेंज क्यों आ रहा है, लड़के आजकल फीमेल कल्चर में क्यों घुल रहे हैं, लड़के आजकल इमोशंस में क्यों बह रहे हैं, लड़के आजकल इतनी ज़्यादा इनरिस्पॉन्सिबल क्यों हो गए, लड़के आजकल पॉर्न हब्स पे जाके क्यों लाइन लगा रहे हैं, लड़के आजकल सोने से पहले क्यों सारी सारी रात गंदी फोटोज़ को स्क्रॉल करते हुए बताते हैं, लड़के आजकल क्या चाहते हैं। तो भाई सीधी बात है, एक ही चाहते हैं इनकी, मैं छोड़ो आगे बताऊँगा ठीक है। अब रही बात, तो देखो आज जो 2022 चल रहा है उससे थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं 1990s में ठीक है। अब वहाँ पे जाके हम देखेंगे तो वहाँ पे जो लोग सर्वाइव करने के लिए यूज़ करते थे, और थोड़ा सा 1990s से भी थोड़ा सा हम पीछे चले जाए, 90s में ही चले जाए ठीक है, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये कि आप देखो वहाँ पे जो जनरेशन होती थी सर्वाइव करने के लिए, सबसे पहली बात वो लोगों का गोल होता था एक मैच्योर कल्चर। मैच्योर भाई बोलने से नहीं होते, आजकल के चूंकि ये लोग बोलने पे लग जाते हैं, मैच्योर नहीं होते जो लोग बोलते हैं ठीक है। मैच्योर एक्चुअल में एक अंदर से जेनेटिक्स होते हैं जो एक्चुअल में दर्शाते हैं कि वो मैच्योर है ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि हम मैच्योर हैं, हम सब कुछ समझते हैं, हम संभाल सकते हैं, हम ये कर सकते, घंटा तुमसे होगा भाई कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो। अब रही बात थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं ठीक है। अब वो लोग का गोल होता था जो 1990s में होते थे, वो लोगों का गोल होता था एक क्या लीडरशिप हायर करने का। मतलब लीडरशिप क्या, वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी दिन से दिन में बाहर निकलते थे घर से पूरी तरीके से, उनका एक एक टाइम का खाना उनके स्ट्रगल पे डिपेंड होता था, उनका एक टाइम का खाना उन्होंने खा लिया तो दूसरे टाइम के लिए वो लोग नया गोल बनाते थे ठीक है। तो यहाँ पे पैदा होता है जो लोग चूतिया सोचते हैं ना गोल क्यों नहीं बन रहा, संदीप महेश्वरी के वीडियोज़ पे जाके देखते हैं, यूट्यूब पे जाके देखते हैं, उनके लिए ये वीडियो है ठीक है। ये वीडियो में सारे तार खोलते जाऊँगा मैं तुम्हारे दिमाग के। अब रही बात हम थोड़ा सा आगे चले गए ठीक है, गोल क्यों कैसे बनता है इंसान का, जनरेट कैसे होता है गोल एक्चुअल में, लोगों की वीडियोस देखने से या मेरे कुछ बताने से, संदीप महेश्वरी सर के कुछ बताने से, या कोई इंसान के किसी कुछ बताने से गोल नहीं बनता। गोल एक्चुअल में बनता है तुम्हारे खुद के जेनेटिक्स से, गोल बनता है तुम्हारे खुद के कल्चर से, गोल बनता है भाई तुम्हारे स्टेमिना से, तुम्हारे स्ट्रेंथ से, तुम्हारे स्ट्रेटेजी से। गोल ऐसे नहीं बनता कि कुछ भी बोल दिया किसी ने तुम बना लिया, मान लो किसी ने कुछ भी बना लिया तो तुम भी कुछ बन, नहीं घंटा होगा भाई तुमसे, कुछ नहीं होगा ये सब चीज़ों में। अब रही बात तो एक्चुअल में गोल कैसे डिफाइंड होता है, गोल कैसे क्रिएट होता है, गोल कैसे भाई बनता है इंसान के अंदर, मैं अभी उसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो तुम उसी के बारे में सोचो ठीक है। एक्चुअल में देखो जब इंसान एक टाइम का खाना खा लेता था 90s में, तो उन लोगों को दूसरे खाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी। क्यों करनी पड़ती थी, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर वो शिकार पे नहीं जाएंगे, अगर वो लोगों को पता था वो लोग खाना नहीं इकट्ठा करेंगे तो वो भूखे रह जाएंगे, तो उन लोगों की जो अंदर से स्ट्रेंथ होती थी ना वो बूस्ट होती थी। मतलब वो लोग नए से नए टास्क करते थे, भले ही उस टास्क के मुकाबले में उनको मिलते थे दो वक्त का खाना एक वक्त की रोटी वो और बात थे, बट उन लोगों का जो स्ट्रेंथ होती थी वो बूस्ट होती थी अंदर से, उनको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी, उन लोगों को भूख दर्शाती थी। मोटिवेशन किसे कहते हैं, मतलब उन लोगों को ये आके AI पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यूट्यूब पे आके इस पे आके ये सब मोटिवेशन तलाश करना, इसकी वीडियोज़ देख ली उसी उसके स्क्रॉल कर दी, फिर उसको स्क्रॉल कर दिया, फिर इसको देख लिया, अरे भाई ये तो बड़ा यूट्यूबर है भाई, इसको देख लिया भाई इतने, इसके तो इतने मिलियन फॉलोअर्स है भाई, घंटा होगा तुमसे कुछ नहीं होगा ठीक है। तुम बस उन्हीं के फॉलोअर्स बढ़ाते जाओ, उन्हीं के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स करते जाओ, कुछ भी नहीं होगा तुमसे। एक्चुअल में तुम सोचना आजकल जितने भी तुम फैक्ट के वीडियोज देख रहे हो, क्या वो उस वीडियोज में कुछ भी सच्चाई है, कुछ भी नहीं है ठीक है। तुम जितने भी आजकल फैक्ट्स देखते हो सिर्फ तुम्हारा ब्रेन उसको थोड़ी देर तक याद रखता है, या तब तक भी नहीं रखता ठीक है, वो सब टाइम वेस्ट है। तुम समझ रहे हो कि अपने अंदर हम एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं, नहीं होती भाई एनर्जी, एक्चुअली खुद के कामों से एनर्जी बूस्ट होती है ठीक है। गोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 1990s में। अब आते हैं लीडरशिप की बात पे, लीडरशिप क्यों जनरेट नहीं होती आज के लोगों में, लीडरशिप क्यों नहीं बन पाती आज के जनरेशन में, आज के लोग क्यों लीडरशिप के लिए पागलों की तरह लोगों से पूछते फिरते हैं कि लीडरशिप कैसे बनती है, हम ऐसे रिस्पॉन्सिबल इंसान कैसे बन सकते हैं। देखो भाई रिस्पॉन्सिबल इंसान, लीडरशिप, गोल्स, ये सब अचीवमेंट्स, ये सब के चीज़ें लोगों को 90s वालों को ना खुद से पता चल जाती थी अपनी ज़िंदगी में, उनको बताना नहीं पड़ता था कि तुम ये करो तो तुम्हारे साथ ये होगा, ये करो तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम फलाना बिजनेस करो ढिमकाना इतने लोग आ जाएंगे तुम्हारे पास, तुम ये करो, नहीं भाई एक्चुअल में उनके पास खुद के डिज़ायर्स होते थे, समझ रहे हो तुम, खुद के लक्ष्य होते थे, खुद के अचीवमेंट्स होते थे, उन लोगों को खुशी मतलब पता नहीं होती थी किसे कहते। आजकल खुशी लोगों को पता लगता है कि लोग जग गए पॉन वेबसाइट पे, चलो हला दिया हो गए खत्म निकल गए खुशी मिल गई, नहीं होता भाई, ये बस एक एडिक्शन है, कुछ नहीं होता, जस्ट वॉज पार्ट टाइम एडिक्शन, कुछ नहीं, दो मिनट तक भी नहीं रहेगा, फिर दो मिनट के फिर मन करेगा तुम्हारा देखने का, मैं बोल रहा हूँ ना एक एडिक्शन है और कुछ नहीं इस चीज़ को। और तुम चलो
थोड़ा सा और आगे, तो लीडरशिप कैसे जनरेट होती है? देखो भाई, लीडरशिप जनरेट होती है तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब तुम क्या चाहते हो दुनिया में खुद से, ठीक है, दुनिया से नहीं, खुद से क्या चाहते हो, तुम खुद क्या करना चाहते हो, उससे लीडरशिप जनरेट होती है, याद रखियो। और कैसे जनरेट होगी, सीधी बात में, बड़े बड़े लोगों के किताब, भाई गया वो ज़माना, किताबें सुन के मैं तुमको बताऊंगा, थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, नहीं समझ में आएगा तुमको, तुमको तुम्हारी ही बात में समझा रहा हूँ मैं भाई। देख सीधी बात में, इतनी बकचोदी करने के सिवा ना, सीधी बात में इतना सुन ले, जिंदगी के जितने भी तेरे टास्क आएंगे ना, जितने टफ वाले टास्क आएंगे, उससे ना तू जिंदगी में कुछ बनेगा, मतलब कुछ आगे जाएगा, ठीक है। आगे जाने के बाद तेरे को लगेगा कि हाँ तूने एक स्टेप अचीव कर लिया, तो दूसरे स्टेप के लिए तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। तेरे को जरूरत नहीं है किसी वीडियोस की, तेरे को जरूरत नहीं है किसी मोटिवेशन की, 2 मिनट की मोटिवेशन की, 10 मिनट की मोटिवेशन, नहीं है मेरी वीडियोस की भी तेरे को जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई एक्चुअल में तुम लोग ब्लैंक हो चुके हो, मतलब हम लोग, तुम भी नहीं कहूंगा, मैं भी तुम में से हूं, हम लोग ब्लैंक हो चुके हैं, मतलब हमको लगता है कि कोई कुछ बोल देगा ऐसा ट्रिक जिससे हम बहुत बड़े बिजनेसमैन रातों रात बन जाएंगे, सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, ठीक है, नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, लीडरशिप की बात खत्म हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से लीडरशिप आती है। और भाई देखो सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हें लगता है कि आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज फ्लाइंग कर रही है, जो रॉल्स रॉयस चल रही है कंपनी, या मान लो स्टार्टअप कंपनी चल रही है, ये सबके स्टार्टअप थोड़ी मोटिवेशन देख के होते हैं क्या? 90s से पहले मोटिवेशन जितनी आज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अवेलेबल है, क्या उतनी अवेलेबल थी? क्या ये सब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे पहले 90s में? नहीं थे ना, कहाँ से उनको मोटिवेशन आती थी? इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी है दुनिया में। आज एक बात बताना, इतनी बड़ी बड़ी मोटिवेशन इंस्टीट्यूट्स है तुम्हारे पास, इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल मोटिवेटर्स है तुम्हारे पास, लेकिन क्या उखाड़ लिया तुमने? सच पूछ रहा हूँ मैं तुमसे ही सवाल कर रहा हूँ, क्या उखाड़ लिया? आज तो मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं दिख रही, इतनी प्रोफेशनल मोटिवेशन है बट नहीं दिख रहा आज कुछ ऐसा कुछ खास जो एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है, कुछ नया हुआ है, नहीं दिख रहा ना। और जो लोग सक्सेस हुआ है अभी, वो नहीं बताते कि हम मोटिवेशन देख के हो, वो बताते हैं अपनी मेहनत से हुआ है, हम कुछ करने के लिए गए, कुछ हो गया, सक्सेस हो गए, ठीक है। बात ऐसी है ना कि भाई देख, मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होता, सीधी बात, मैं खुद एक मोटिवेशन तेरे को दे रहा हूँ अभी, लेकिन मोटिवेशन से कुछ भी, मैं तेरे को भाई बन के समझा रहा हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइबर्स की, मैं तेरे को भाई बन के समझा रहा हूँ, सीधी बात में इतनी है ना। देख अभी की क्या जनरेशन चल रही है, अभी की जनरेशन चल रही है बकवास। अभी देख सुबह कब हो रही है, 12 बजे, दिन ख़त्म होने वाला होता है, हमारा दिन शुरू होता है। लोग क्या कर रहे होते हैं, हम हर किसी के लिए इंस्टाग्राम ऑनलाइन पे अवेलेबल होते हैं, किसी ने मैसेज कर दिया, किसी ने स्नैप डाल दिया, खोल के देख लिया, किसी को स्नैप डाल दिया, किसी को खा लिया, बस पड़े रहे बिस्तर पे, अब सूरज इधर से निकला है, उधर से डूब रहा है, हम देख रहे हैं बैठ के। भाई सीधी बात में ये है ना कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तुम सोचते हो कि हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान्स हैं, डिज़ायर्स हैं, हम ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, लाइफ में बहुत टाइम पड़ा हुआ है हमारे पे, हम इतना कुछ कर लेंगे कि फिर क्या ही होगा दुनिया से, मतलब क्या ही करेंगे कोई, हम आएंगे ना मार्केट में तो पूरा बदल देंगे प्लेटफॉर्म को, लेकिन नहीं होगा ऐसा, घंटा कुछ नहीं होगा। तुम बस तसल्ली दे रहे हो अपने आप को कि हम कुछ है, लेकिन सच में एजेंटेड कड़वा सच ये है कि मैं या तुम कुछ भी नहीं है अभी, अभी जो हमने सक्सेस अचीव नहीं की ना, कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है हम, ठीक है। एक बात को याद रखना, आज आईफोन भी हो ना तो उसके अंदर सिम ना हो, डाटा ना हो, तो उसको कोई थूकेगा भी नहीं, याद रखो। और वहाँ पे कोई दूसरा छोटा मोबाइल रहेगा ना जिसमें डाटा चल रहा होगा, उसको लोग पसंद करके लेंगे, इतना फ़र्क होता है अपनी वैल्यू में और वैल्यू ना होने में, ठीक है। और देखो अभी की जनरेशन में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, इमोशंस लड़कों के अंदर, लड़कियों के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हो चुके हैं और लड़कियों को देख के लगने लगता है कि यार लड़कियाँ बेस्ट है, चूतिया हो गया तुम, मतलब सीधी बात में। और रही दूसरी बात, तो देखो भाई स्ट्रांग मैन उसे कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, उसे नहीं कहते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है और कहता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा। नहीं करोगे तुम भाई, मेरे नहीं कर पाओगे, सिंपल बात में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बनो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कब बनोगे, जब तुम घर से बाहर निकलोगे। पहले के ज़माने में लोग शादी करवा देते थे अपने लौंडों की, कि उन्हें लगने लगता था कि भाई ये हमारा लौंडा इतना बिगड़ रहा है तो सुधर जाएगा, घर से बाहर रहता है तो घर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इजंट इट डिफरेंट, ये चल रहा है अभी के ज़माने में, लोगों को लगने लगा है, देन अपने फैमिली मेम्बर्स को लगने लगा है कि भाई तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारी शादी भी कराई जाए, देन अंडरस्टैंड व्हाट आई से दैट, नहीं हो तुम इस लायक। क्यों नहीं हो? क्योंकि भाई तुमने इतनी वैल्यू अपनी क्रिएट नहीं की, उन्हें लगने लगता है तुम्हें क्या दूसरे कोई संभालेंगे, तुम खुद दूसरों को नहीं संभाल सकते, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं रही अभी जितनी लोगों के अंदर स्ट्रेंथ होती थी 90s में, अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है। अभी जो नाउ कल्चर चल रहा है, न्यू कल्चर जो चल रहा है, AI सिस्टम जो इतना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना जो आगे जा रहा है ना, इसके पीछे बस तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, देन अपनी सच्ची लाइफ बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। इससे दूर रहो, मेरी बात, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम अपना टाइम एक तुम ऐसे यूटिलाइज करने वाले एसेट को वेस्ट कर रहे हो ना, तो जो कि तुम मतलब कुछ भी नहीं होगा फिर आगे जाके, ठीक है, कुछ भी, मतलब यू कांट अचीव एनीथिंग, जस्ट वॉज वेस्टिंग योर लाइफ। देन अंडरस्टैंड यार व्हाट आई से दैट फोकस ऑन योर ब्रेन, फोकस ऑन योर करंट सिचुएशंस, फोकस ऑन योर स्ट्रगल्स, फोकस ऑन योर ऑब्स्टिकल लाइफ, फोकस ऑन योर जनरेशन। भाई क्या चल रही है तुम्हारी जनरेशन,
उसके हिसाब से कुछ नया करो ना। क्यों तुम लोगों के भीड़ में आ रहे हो, क्यों तुम लोगों की तरह करने की कोशिश करो, नहीं कर सकते। तुम खुद की तरह करो, फेस करो प्रॉब्लम्स को, मार्केट में जाओ, बाहर जाओ, प्रॉब्लम्स को फेस करो, लोगों से मिलो, एक्चुअल में जो जनरेशन में जो धक्के होती है वो खाओ, फिर तुम्हें अपना नॉलेज मिलेगा, यूट्यूब का नहीं। ठीक है, समझो मेरी बात। इतनी बात, मैं ऐसे लेक्चर नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें समझा रहा था कि मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलती, मोटिवेशन अंदर से मिलती है। जब तुम खुद अपने अचीव करते जाओगे, अपने एक के बाद एक लेवल अप करते जाओगे ना, तो जैसे तुम्हें गेम में एक डोपामिन रिलीज़ होता है, उसी तरीके से तुम्हारा डोपामिन रिलीज़ होगा। देन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि तुम करोगे, डेफिनेटली करोगे। ठीक है, तो इस बात को फोकस करो। और भाई बंद करो यार, ये बकचोदी, मजाक नहीं कर रहा, यूट्यूब ये सब बंद करो ये। ठीक है, फोकस करो अपने दिमाग पे, फ़ोन को बाजू में फेंको, तोड़ दो, कुछ भी करो उसके साथ, लेकिन फोकस ये करो कि तुम ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। मिलते हैं फिर कभी, अगर मैं ज़िंदा रहा। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ।